दुनिया में फैले कोरोना वायरस के चलते कई सारी फिल्म की रिलीज डेट पर भी रोक लगा दी गई थी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए थे। ऐसे में सभी शूटिंग्स भी बंद कर दी गई थी, जिसके चलते बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में तो उथल पुथल आ गई थी। जहाँ कुछ फिल्मों की शूटिंग रुकी है, वहीं कुछ फिल्में पूरी होने के बावजूद भी रिलीज नहीं हो पाई। अब सभी मेकर्स या तो OTT प्लेटफॉर्म का यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं अपनी फिल्म रिलीज करने के लिए, या तो फिर अपने अगले साल फिल्म रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस साल तो मुश्किल है कि कोई फिल्म रिलीज हो सके सिनेमा हॉलों में। आप सभी को बताएं दोस्तों, किस प्रकार से अजय देवगन की फिल्म मैदान के बाद अब वरुण धवन की फिल्म कूली नंबर एक को भी अगले साल रिलीज करना तय किया जा चुका है। कई दिनों से लगातार खबरें थी कि सारा अली खान की और वरुण धवन की फिल्म कूली नंबर एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, लेकिन दोस्तों अब ये बिल्कुल सच है कि अब ये फिल्म बहुत जल्द 1 जनवरी 2021 को रिलीज की जाएगी OTT प्लेटफॉर्म पे। हालांकि मेकर्स इसके पक्ष में नहीं है और बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के मेकर्स ने हाल ही में एक मीटिंग रखी थी। इस मीटिंग में फिल्म को रिलीज डेट से जुड़ी चर्चा हुई। आखिरकार सभी ने सहमति से फिल्म को अगले साल जनवरी में रिलीज करने का फैसला किया। रिपोर्ट्स के अनुसार अब इसे 1 जनवरी 2021 को रिलीज किया जाएगा। कूली नंबर एक फिल्म को 1 मई को रिलीज किया जाने वाला था, मगर लॉकडाउन के चलते इसे रोक लगा दिया गया। इसके अलावा अजय देवगन की मैदान भी अगले साल अगस्त तक टल गई है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए कुछ अन्य फिल्मों के अगले साल तक टलने की संभावना है। और ऐसे में जिन भी बड़े डायरेक्टर को इस बात का इंतजार करना है कि सिनेमा हॉल में फिल्म रिलीज कराई जाए, तो अभी तो उन्हें कोरोना वायरस के कहर का थोड़ा थमने का नाम लेना होगा, जिसके बाद ही सिनेमा हॉल खुलेंगे और एक बार फिर से सभी फिल्में हमें OTT प्लेटफॉर्म की जगह सिनेमाघरों में रिलीज होते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, आप कितना एक्साइटेड हैं सारा अली खान और वरुण धवन की फिल्म कूली नंबर एक को लेकर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।